सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद को बनाने में है। उड़ गए हो तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। आज का पंचांग 14 सितंबर 2020, देश सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 1:29 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 3:52 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। धनु राशि 14 सितंबर 2020, देश सोमवार, आज दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यह सब ऊपरी आवरण है। जैसे स्थिति साफ होगी आप वास्तविकता को देख पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय लें और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगी। आपको अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ना और सेवा कार्य करना बहुत ही उचित निर्णय है, परंतु इसके साथ साथ अपनी तथा अपने परिवार की जरूरतों के प्रति भी जागरूक रहें। अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी महत्व देना अति आवश्यक है। जीवन से जुड़ी किसी भी बात पर अमल न करना, अवसर को खो देने या जो तकलीफ नहीं है उसे पैदा करना होगा। आप पर चाहे कितनी भी डर हावी हो, आपको अपने काम से हटना नहीं है। जो बात आप परिवार से बोलने से डर रहे हैं, उस बात को व्यक्त करना आज जरूरी होगा। नौकरी में मनचाहे अवसर मिलना कठिन होगा। पार्टनर की सलाह उपयुक्त है, पार्टनर के सलाह को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, मेहनत के अनुरूप अभी उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे, परंतु इसके लिए तनाव हावी ना होने दें और धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियां ही ज्यादा पक्ष में नहीं है। किसी पर संदेह करना आपके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं, आज नए संबंध बनाने का दिन है, आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आज नए संबंध, नई दोस्ती या नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। आज आप बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्से लेंगे, जहां आपको अपने संभावित दोस्त या पार्टनर मिल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नए दोस्त बनाने के बाद अपने पुराने करीबी दोस्तों की उपेक्षा ना करें। करियर की बात करते हैं, आप सक्रिय हैं और आज आपकी सक्रिय प्रकृति आपको शीर्ष पर रखेगी। आप सभी गतिविधियों के केंद्र पर हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस अपनी गति को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अब भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने कार्य क्षेत्रों को व्यवस्थित रखें और समय पर अपने दस्तावेजों को देखते रहें। सेहत की बात करते हैं, त्योहारों के इस मौसम में आपने खूब मजे किए हैं। अब आपके लिए अपने शरीर को कुछ हल्का करने का समय है, ताकि आप फिर से उतने ही ऊर्जावान महसूस करें। कच्चे फल और सब्जियां अधिक खाएं, कैफीन और एल्कोहल वाले पेय पदार्थों से दूर रहें। अपने ऊपर ऊर्जा का अनुभव करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। साथ ही अपनी
परिजनों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को प्रेरित करें, उन्हें भी आपकी सहायता की आवश्यकता है। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।